स्टूडेंट्स आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में छठ पूजा के बारे में निबंध लिखना सिखाएंगे। कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट किए थे कि मैम प्लीज़ आप छठ पूजा के बारे में निबंध लिखिए। तो चलिए बच्चों, आपका डिमांड को हम रखते हैं और आपको इस वीडियो में हम छठ पूजा के बारे में निबंध लिखना सिखाते हैं। छठ पूजा का त्यौहार बिहार, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह कार्तिक माह के छठवें शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस पूजा में लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिन जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। इसी दिन लोग उपवास भी रखते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन को संध्या अर्घ या छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। यह पुरुष या महिला के द्वारा भी किया जा सकता है। एक मान्यता ये भी है कि सूर्य भगवान की एक बहन थी जिसका नाम छठ माता, छठ और षष्ठी उनका नाम था, इसलिए लोग उनकी बहन को प्रभावित करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। छठ माता हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वे उगते सूरज के साथ साथ अस्त होते हुए सूर्य की प्रार्थना करते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। छठ पूजा मनाने के पीछे कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था तब द्रौपदी ने इस व्रत को किया और एक बार फिर से सब कुछ प्राप्त किया। दूसरी कहानी, राम जी और सीता जी ने भी वनवास से लौटने पर 3 दिनों तक उपवास रखा और छठ माता की प्रार्थना की थी, यानी छठ माता की पूजा की थी। तीसरी कहानी, एक प्रियव्रत नामक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर वे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा ने अपनी पत्नी को यज्ञ की खीर खाने को कहा। उसकी पत्नी ने वह खीर खाया, लेकिन जब उनके बच्चे हुए तो वो मृत पैदा हुआ, यानी मरा हुआ पैदा हुआ। राजा निराश होकर अपने बेटे की अंतिम यात्रा के लिए शमशान गया तो वो खुद को भी मारना चाहता था, यानी वे इतना दुखी हो गए थे राजा कि वे खुद मरना चाहते थे। तभी अचानक वहाँ एक दिव्य महिला प्रकट हुई और उसने उसे मरने के बजाय छठ माता की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा ही किया तब उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस व्रत को करते हैं। इस व्रत में बहुत सारा कठिन नियम का पालन करना पड़ता है, यानी ये जो छठ पूजा होता है इसमें बहुत नियम हैं, बहुत सारे कठिन नियम हैं। इस नियम को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। इस त्यौहार में साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी जो भी छठ पूजा करते हैं, जिस घर में होता है ये छठ पूजा, उनके घर पूरी तरह से साफ सुथरा किया जाता है, सारा चीज़ को साफ किया जाता है और
सारा जितने भी उनके घर में जो भी कपड़ा लगता है, जो भी बिस्तर का चद्दर उद्दर है, सब कुछ अच्छी तरह से धोया जाता है, यानी एकदम नीट एंड क्लीन घर को कर दिया जाता है, शुद्ध किया जाता है। कोई कोई घर में चूना भी करते हैं। इस पूजा में लोग भक्ति गीत गाते हैं, महाप्रसाद बनाते हैं। महाप्रसाद को हाथ से बने चूल्हे पर अलग से पकाया जाता है, यानी जो उपवास रखते हैं वो अलग से चूल्हा बनाया जाता है मिट्टी का, और उसमें जो जो उपवास करते हैं वही छठ मैया का जो भोग होता है उसको बनाते हैं। छठ पूजा का प्रमुख प्रसाद ठेकुआ और खास्ता होता है। इस पर्व को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ नदी किनारे जमा हो जाती है, यानी छठ पूजा जो होता है वो तालाब में जा कर के होता है और नदी में होता है, इसलिए लोग वहाँ पर भीड़ लगाते हैं। जो छठ पूजा करते हैं वो भी जाते हैं, और जो नहीं भी करते हैं वो भी पूजा देखने के लिए जाते हैं। तो बच्चों, ये था छठ पूजा का निबंध। अगर ये निबंध आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये निबंध आपको छठ पूजा का कैसा लगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कोई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।